जी केपी सिंह जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी जी। बिफोर प्रिंट डाटिंग से पीयूष त्रिपाठी बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? बस ठीक है। क्या चल रहा है आपके जिले में चुनावी सिनेरियो? अभी कालपी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। जी बाकी जगह उन्होंने सिटिंग एमएलए रिपीट किए, दो और विधानसभाएं हैं उनमें सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। तो कालपी में एक तो वहां पर कि पहली बार कोई अभी तक कोई क्षत्रिय उम्मीदवार सामने नहीं आया जी है, और कोई भी ब्राह्मण उम्मीदवार भी सामने नहीं है। जी तो जो उनका कोर वोटर था सवर्ण वाला ब्राह्मण ठाकुर का, जी उसमें असंतोष है। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने जिले के मजबूत ब्राह्मण नेता विनोद चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बना दिया है कालपी से। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ब्राह्मणों का रुझान दिखाई दे रहा। उधर ठाकुर प्रत्याशी उन्होंने बनाया है माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो ठाकुरों का रुझान भी वहां पे भी ठाकुर और ब्राह्मण दोनों मिलकर और भारतीय जनता पार्टी की वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है और कालपी के प्रत्याशी घोषित करने में जो विलम्ब हो रहा है उसने और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन में गिरावट ला दी है। चुनाव भाजपा और सपा दोनों के बीच में है, सीधे आमने सामने है, या बसपा भी कहीं पे कोई? नहीं, बसपा यहाँ पे बसपा भी छुपा रस्तम साबित हो सकती है और बसपा सीटें निकाल सकती है। खासतौर से माधोगढ़ और कालपी की सीट जो है वो बसपा के खाते में भी जा सकती है। कोच भी आप विधानसभा खत्म हो चुकी है 2012 से। सिर्फ दो सीटें हैं? सिर्फ तीन सीटें। तीसरी कौन सी है? माधोगढ़, उरई और कालपी। उरई सदर में क्या पोजीशन है? उरई सदर में तो फिलहाल तक भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन अच्छी है जी। उरई सदर सुरक्षित है जी, और सुरक्षित में उन्होंने सिटिंग एमएलए गौरीशंकर वर्मा को ही दोबारा रिपीट किया है जी। तो गौरीशंकर वर्मा के प्रति सिटिंग होने की वजह से थोड़ा असंतोष था, लेकिन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत नहीं माना जा रहा, इसलिए अब उनके पक्ष में गौरीशंकर के पक्ष में पैरावा बन रही। इतनी ज्यादा उनका वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा लोग नहीं है कि लोग उनको वोट न दें, लेकिन माधोगढ़ में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, जगह जगह उनको जो वर्तमान विधायक हैं वो उनको प्रत्याशी बनाया गया मूलचंद रंजन को, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। और उनकी अपनी बिरादरी का वोट पिछली बार तो हवा थी, तो कोई महत्व नहीं था कि उनकी बिरादरी बहुत संख्या में है या कम संख्या में, लेकिन उनकी बिरादरी आनुपातिक तौर पर कम संख्या में है माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो ये भी उनके जो है उसमें निगेटिव जा रहा है। जो यहाँ पे कॉमन मुद्दे हुआ करते थे फसलों को लेकर, अन्ना जानवरों को लेकर, पानी को लेकर के, मुद्दे सारे गायब हैं, केवल जातिगत समीकरण पे पूरा चुनाव चल रहा जिले का। कॉमन मैन जो वोटर है, किसान जो वोटर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का वोटर है, वो कुछ उपलब्धियां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वगैरह को लेकर के कतई भाजपा के प्रति सहानुभूति नहीं बढ़ती दिख रही है? नहीं, वो इसको लेके कोई प्रभाव नहीं है। विकास का पहले भी कभी प्रभाव नहीं, जब मुख्यमंत्री थे 2007 में जी, तो उन्होंने बिना मांगे यहाँ पे उरई मेडिकल कॉलेज और जो दस्यु समस्या के कारण थे वो पुल जो है बनवा दिए थे, बहुत बड़े काम थे, लेकिन इसके बावजूद भी मुलायम सिंह का कोई कैंडिडेट नहीं जीता था, तो उसका असर नहीं है। लेकिन हमने एक चीज का असर देखा है जी, कि जो गरीब जनता है, खास तौर से जो बसपा का भी वोटर है जी, वो कानून व्यवस्था को लेके मतलब बहुत खुश है मोदी योगी सरकार से जी, और वो जरूर ये कह रहा है गरीब वोटर कि हम योगी को वोट दें। जो अन्य योजनाएं हैं, राशन वितरण, आयुष्मान कार्ड, हाँ राशन वितरण का भी प्रभाव हो रहा है, राशन वितरण से भी जो लाभान्वित है, जो लाभार्थी के को टारगेट किया बीजेपी ने जी, तो वो जो है लाभार्थी वाला उनको कहीं न कहीं फल रहा है उनको। इस बार ऐसा अभी तक आज की तारीख तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि एकदम से पिछली बार की तरह एकदम से भाजपा 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 कोई लहर नहीं है विभिन्न कोई लहर नहीं है कोई
और खास तौर से कैंडिडेट रिपीट करने का बड़ा बुरा प्रभाव हुआ है। अच्छा अच्छा कालपी में निषादों का, ये जो कालपी की सीट अटका दी है इन्होंने जी, इतनी देर कर दी, अब नामांकन का समय समाप्त होने वाला है जी, उससे पूरे पूरी फिजा जिले भर की खराब हो गई भाजपा की। और वो उनकी छवि भी नहीं खराब थी जो पूर्व विधायक थे सिंह साहब, हाँ, उनकी छवि खराब नहीं थी, वो जो है अगर वो रिपीट नरेंद्र होते जी गौर, हाँ नरेंद्र पाल सिंह जी गौर भले आदमी थे, अगर वो रिपीट होते तो इतना विद्रोह ना होता माधवगढ़ कोंच की तरह, विद्रोह नहीं होता। दूसरी बात, वहाँ कांग्रेस का जो कैंडिडेट, कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उमा कांति सिंह जी, उनके वहाँ एक मतलब ठाकरों का एक वर्ग है जी 84 जी, तो 84 का सबसे लोकप्रिय चेहरा है वो सुरेंद्र सिंह सरसेला जी जी, तो पिछली बार मतलब जो है 84 का वोट भी बड़ी संख्या में बीजेपी को मिल गया था। में हाँ 2012 में उमा कांति सिंह ने, मुझे जहाँ तक याद है कि सपा की लहर में कालपी सीट हाँ, जीती थी। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की कोई लहर नहीं थी, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था, उनका कोई जीतना नहीं था। उनका जीतना निजी था और वो उनकी पसंदगी बरकरार है। इसका मतलब फिर कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ेगी कालपी में कांग्रेस बहुत अच्छा मुकाबला करेगी जी, और कांग्रेस अगर जीत भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मुस्लिम वोटरों की रुख पे निर्भर करेगा जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये भी एक लॉस है कि अब की बार 84 में भारतीय जनता पार्टी को शायद है जी कोई वोट मिल पाएगा, अनुपात में कोई वोट नहीं मिल पाएगा, परसेंटेज में कोई वोट, यानी तीनों सीटों में जो मुकाबला है वो हाँ, कहीं सपा से है तो कहीं कांग्रेस से है, कहीं कांग्रेस से है। विकास का, कुछ समस्याएं सुलझाने का, रेलवे पुल बनने का, एक्सप्रेस हाँ, वे बनने का हाँ, सड़कें बनने का, पानी के हाँ, संसाधन मुहैया कराने का कोई विशेष असर है नहीं, कोई विशेष असर नहीं है। लोग नौकरशाही के भ्रष्टाचार और मनमानी से बहुत त्रस्त रहे हैं और महंगाई का मुद्दा भी असर दिखाई दे रहा है, और ये सारे मुद्दे भी बहुत मतलब असर नहीं दिखा रहे। मुख्य मुद्दा है जातिगत समीकरणों का, जातिगत समीकरण बीजेपी के बिगड़ गए। ठीक ठीक केपी सिंह जी, आपको बिफोर प्रिंट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। नमस्कार जी, जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।